अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सना की रेसिपीज़ में। तो दोस्तों, आज हम ज़बरदस्त सी चिकन ब्रेड बना रहे हैं। उसके लिए हमने ये चीज़ें ली हैं। 2 कप मैदा है, 1/2 टीस्पून नमक है, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है, 1 टीस्पून शुगर है, 1 टीस्पून ईस्ट है, 1 अंडा लिया है और 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे ऑयल लिया है। पानी यहाँ पे हमने हद रख लिया है नीम गर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे। पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, सॉल्ट, शुगर, ईस्ट एंड ईस्ट। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये अंडा शामिल कर देंगे इसमें, इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। पहले ऑयल डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे इसकी डो तैयार करेंगे। एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे। इसकी डो जो है बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगी, काफ़ी इसकी डो जो है नरम सी होगी। पानी इसमें बहुत थोड़ा गया है। 5 मिनट तक हमने इसको अच्छे से ऐसे गूंदेंगे। ये देखिए, हमारे 5 मिनट गुजर चुके हैं। डो हमारी अच्छी सी रेडी हो चुकी है बिल्कुल। ये देखिए, इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए। अब हम इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि ये फूल कर डबल हो जाए। इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अब हम इसे कवर करके 2 घंटे के लिए रख देते हैं। चिकन ब्रेड जो है आज हम विदाउट ओवन बना रहे हैं। और चिकन ब्रेड की फिलिंग बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये हैं। 250 ग्राम में यहाँ पे बॉयल की हुई शर्डर चिकन ली है, 2 टेबलस्पून बटर है, 1 छोटी साइज़ की प्याज हमने इस तरह चॉप कर ली है बारीक, 1 अदद अंडा लिया है और ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून, आप हद ज़रूरत कम ज़्यादा कर सकती हैं, ऑरिगानो 1 टीस्पून है। ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो डाल दें। और 1/2 टीस्पून ये गरम मसाला है। एक यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ की हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप कर ली है, अगर आपके पास छोटी है तो आप 2 ले लीजिएगा। और यहाँ पर मैदा लिया है मैंने 2 टेबलस्पून और यहाँ पर 1 टेबलस्पून यहाँ पर हमने सफ़ेद तिल लिए हैं। 1 कप यहाँ पर हमने दूध लिया है। अब एक पैन में हम बटर डाल देंगे। अब हम इसमें एक चॉप की हुई प्याज डाल देंगे और इसे हल्का सा बस नरम कर लेंगे। 1-2 मिनट तक पकाएंगे इसे। ये देखिए, हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट इसे हल्की सी इसे नरम कर ली है प्याज को। अब हम इसमें मैदा शामिल कर देंगे और इसे बस थोड़ी देर पकाएंगे। इसको बस हमने 1 मिनट तक ऐसे इसको पकाना है। देखिए, 1 से 1.5 मिनट हमने इसको इस तरह पका लिया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसमें हम दूध शामिल कर देंगे और हमने फ्लेम इसलिए बंद किया है ताकि हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इसमें गुठलियाँ ना बन पाएँ। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। लेकिन ज़्यादा अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और अब हमने इसका फ्लेम ऑन कर दिया है। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, काली मिर्च, गरम मसाला, ऑरिगानो, हरी मिर्च, इन सबको मिक्स कर लेंगे और चिकन भी शामिल कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने सिर्फ 2 मिनट पकाना है, ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। ये देखिए, थिक हो रही है, बस बिल्कुल रेडी होने वाली है ये। 1-2 कुछ सेकेंड इसको और पका लेंगे बस हम। ये देखिए, हमारी चिकन ब्रेड की फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है। अब हम फ्लेम जो है इसको ऑफ़ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे।
दो घंटे हमारे गुजर चुके हैं और डो जो हमारी रेडी हो गई है। देखिए फूल के डबल हो गई है। जैसे पंच करेंगे इसके सारे एयर निकाल देंगे, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। काउंटर पे हम मैदा डस्ट करेंगे, इसे थोड़ा सा सेट कर लेंगे इस तरह ताकि इसकी सारी जो एयर है वो निकल जाए। देखिए सेट कर लिए। 5 मिनट के लिए हम इसको रख देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक बड़ा पतीला ले लिया और उसमें नमक बिछा के और स्टैंड रख दिया चाली का, और इसे हम तकरीबन 15 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे रीहीट कर लेंगे। जब तक हमारा पतीला पर रीहीट हो रहा है उस टाइम तक हम इसको अपनी ब्रेड को तैयार कर लेते हैं। इसके थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेते हैं और इसे बेल लेते हैं। इसे इसको हम लंबाई में बेलेंगे, जैसे ओवल ओवल शेप के इसमें ना इसे बेलेंगे। ये देखिए हमने इसको ओवल शक्ल में बेल लिया है। अब हम इसकी इसमें फिलिंग रख देंगे, बीच सेंटर में रखेंगे बिल्कुल इस तरह। ये देखिए हमने सेंटर में सारी इसकी फिलिंग रख दी है। अब हम पिज़्ज़ा कटर से, या भी अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप इसको छुरी की मदद से जो इस तरह कट लगा दें। और इस साइड पर भी हम इसी तरह लगाएंगे कट। ये देखिए हमने दोनों तरफ इस तरह कट लगा दिए हैं। अब हम इसको इस तरह करेंगे, एक इस तरह स्टेप लेंगे, एक इस तरह लेंगे, इस तरह रखेंगे, सारे हमने इसी तरह कर देंगे। ऐसे इसको इस तरह रख देंगे, ऐसे कर देंगे, इसको इस तरह हम बना देंगे, ऐसे करके ऐसे कर देंगे इसको। इसको हम इस तरह कर देंगे, ऐसे करके ऐसे कर। ये देखिए हमने एक पिज़्ज़ा पैन लिया और इसे ग्रीस कर लिया ऑयल से अच्छी तरीके से। अब हम ये इसमें उठा के रख देंगे। देखिए हमने इस पर पिज़्ज़ा पैन पे इस पर रख दी है। अब हम ब्रश की मदद से हमने अंडा फेंट लिया है, साले में अच्छे से ये लगा देंगे। अब हम इस पर ये जो तिल्ली है ये छिड़क देंगे। पतीला हमारा प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसे इसके अंदर रख देंगे। सिर्फ हम 35-40 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देंगे। 45 मिनट हो चुके हैं, हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। 40 मिनट में हमने चेक किया था ये बिल्कुल रेडी हो गई थी, लेकिन हमने इसको कलर देने के लिए मज़ीद हमने इसको 5 से 6 मिनट रखा था। तो देखिए इससे कितना खूबसूरत कलर आया विदाउट ओवन से। हम निकाल लेते हैं। अब हम इस पर शाइनिंग के लिए हल्का हल्का सा बटर लगा देंगे। बहुत ज़बरदस्त हमारी ये ब्रेड बनी है। अब आप बग़ैर ओवन के भी बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार होती है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनाई है हमने ये। मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त ये देखिए ब्रेड बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखें मैं इसको आपको नीचे का भी इसका दिखाती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। तो अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बग़ैर ओवन के नहीं बना सकते हैं। तो आपको ये देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि हम बग़ैर ओवन के कितनी अच्छी हम चिकन ब्रेड बना सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
बहुत सारी दुआओं के साथ। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।